हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नगमा एंड वेलकम टू द एडो स्किल्स। एंड आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में अपना पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन डिफाइन किया था। आज हम एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन देखेंगे, एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सो जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, हमने देखा था स्टूडेंट्स की सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस में हमारा प्लांट डायोशियस प्लांट, मतलब कह सकते हैं हम हर्माफ्रोडाइट प्लांट होता है, हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट होता है जिसमें हमारा मेल एंड फीमेल पार्ट हमारा प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कंडीशन हमें चाहिए होती हैं कि अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं। फर्स्ट थिंग वी हैव होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब बच्चों, जो हमारा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है हमारे फ्लावर का, वो उसका जो मेच्योरिटी का टाइम होता है वो कैसा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। सो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, मेच्योरेशन ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन्स एट द सेम टाइम। क्या लिख सकते हैं हम, मेच्योरेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन। मैच्योरेशन ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे क्या होना चाहिए, उनको मेच्योरिटी गेन करना चाहिए। जब हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरेगा तो स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा को उसको एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मींस अगर जब हमारे दोनों हमारे गैमेटोफाइट गैमेट्स हमारे सेम टाइम पर मेच्योर होंगे तभी हमारा क्या होगा, या हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट हमारा काम में आएगा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा क्लीस्टोगैमी। क्लीस्टोगैमी कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, लिख लेते हैं हम क्लीस्टोगैमी। क्लीस्टोगैमी कंडीशन में अगर हम बात करें तो क्लीस्टोगैमी कंडीशन में हमें जो हमारे मेल एंड फीमेल हमारे जो गैमेटोफाइट हैं, जो हमारे ऑर्गन हैं, वो कैसे होते हैं, वो पेटल्स के थ्रू कवर अप होते हैं। अगर हम देखें दैट हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है हमारा कार्पल, ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है विच इज स्टेमन। ठीक है, ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन, ये क्या होगा, ये पेटल्स के थ्रू कवर अप रहेगा। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसे। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये हमारा पेटल्स के थ्रू हमारा कवर अप रहेगा। और ऐसे हम प्लांट्स को, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं क्लीस्टोगैमस। क्या बोलते हैं हम, क्लीस्टोगैमस। ठीक है, क्लीस्टोगैमस हम कह सकते हैं। सो क्लीस्टोगैमस फ्लावर हमारा कैसा फ्लावर है, हमारा ये क्लीस्टोगैमस फ्लावर है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है, नेक्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे मिराबिलस। इन इसमें क्या होता है, मिराबिलस में एंथर जो होता है हमारा वो बैंड होता है कहां पर, स्टिग्मा पर। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एंथर बैंड्स ऑन स्टिग्मा, एंथर बैंड्स ऑन स्टिग्मा। ओके, एंथर क्या करेगा, एंथर बैंड रहेगा स्टिग्मा पर, जिससे क्या हो, जिससे हमारा पॉलन ग्रेन जो एंथर में प्रेजेंट है वो हमारे स्टिग्मा पर आराम से गिर जाए और सेल्फ पॉलिनेशन हमारा आराम से हो जाए। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में हमारा बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं विन कैरियोसियोका।
या विंड कैरोसोरिया कहते हैं इसको। इसमें जो हमारा पेटल होता है, इसमें जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर हमारा फनल शेप्ड होता है, ठीक है, और हमारा हम क्या लिख सकते हैं इसको, फ्लावर इज फनल शेप्ड, और उसमें हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, उसमें हमारे मेल एंड फीमेल जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फ्लावर फनल शेप्ड होगा और हमारा जो ओवरी मींस हमारा कार्पेल एंड हमारा जो स्टेमेन है वो हमारा इसमें ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिरेगा, पॉलन ग्रेन यहाँ गिरेगा, फिर पॉलन ट्यूब निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलने के बाद ये अपने दोनों गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को छोड़ देगा, वो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, वो हमारी ओवरी के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी विंड कैरोसोरिया कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लावर, जो फ्लावर में प्रेजेंट है हमारा एंथर एंड हमारा ओवरी, उसमें डिस्टेंस होता है, लेकिन हमारे जो ओवरी हम कह सकते हैं कार्पल, ठीक है, अगर हम पूरे ऑर्गन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, कार्पल। तो डिस्टेंस किसके बीच होती है, हमारे एंथर एंड हमारे स्टिग्मा के बीच होती है, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या करता है, फॉर डूइंग द पॉलिनेशन, स्टिग्मा अपने आप को थोड़ा एलोंगेट कर लेता है। अगर हम इसमें लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट डिस्टेंस बिटवीन एंथर, डिस्टेंस बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा, सो फॉर पॉलिनेशन स्टिग्मा एलोंगेट, ओके। पॉलिनेशन के लिए क्या करेगा स्टिग्मा, अगर ये हमारा एंथर, अगर सपोज अगर हम डायग्राम के थ्रू ये देखें कि हमारा ये यहाँ पर है एंथर, ठीक है, तो हमारा जो स्टिग्मा होगा वो क्या करेगा, वो अपने आप को थोड़ा एलोंगेट कर लेगा, जिससे उसकी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पर आ जाए एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हमारे प्रेजेंट हैं वो हमारे स्टिग्मा पर आ जाए, ठीक है, एंड क्लोज हो जाएगा किसके, हमारे एंथर के, जिससे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सोलिनम ट्यूबरोसम। इसमें क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, सोलेनम ट्यूबरोसम ओके, इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें हमारा जो जो हमारा एंथर होता है वो कॉइल अराउंड होता है किस स्टिग्मा के, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें देखने को मिलेगा दैट जो हमारा ये कार्पेल प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड हो गया, जो हमारा ये कार्पेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा फीमेल पार्ट आ गया, जो हमारा एंथर होगा, स्टिग्मा जो होगा वो एंथर के क्या होगा, तो हमारा जो एंथर होगा वो हमारा स्टिग्मा जो होगा एंथर के कॉइल अराउंड होगा। तो हम सोलेनम ट्यूबरोसम में क्या दे सकते हैं, कंडीशन क्या हमें देखने को मिल रही है, दैट आर स्टिग्मा कॉइल अराउंड द एंथर, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, और इसका स्टाइल कैसा है, स्टाइल हमारा लंबा है एंड हमारा जो स्टिग्मा है वो कॉइल अराउंड है किसके, एंथर के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आसान, सेल्फ पॉलिनेशन को और इजी तरीके से करने के लिए, मतलब प्लांट्स अगर सेल्फ पॉलिनेटेड है, बाइसेक्सुअल है, अगर उसको डिफरेंट कंडीशंस मिल रही हैं, तब भी वो अपना सेल्फ पॉलिनेशन ही बरकरार रख रहा है। हम इन कंडीशन से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम दूसरे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या कंडीशन आ रही है। फर्स्ट हमने देखा होमोगैमी में, होमोगैमी में हमारा जो दोनों का जो मेच्योरिटी का टाइम होगा हमारे
सेक्स ऑर्गन्स का वो कैसा होगा? सेम होगा। क्लीस्टोगैमस में हमने देखा दैट जो प्लांट हमारा जो रिप्रोडक्टिव उनके दो पार्ट जो है हमारे मेल एंड फीमेल वो हमारे कैसे वो पैटर्न्स के थ्रू कवर अप है। फिर हमने मिराबिलस में देखा, मिराबिलस में हमारा एंथर क्या करता है, एंथर हमारा बैंड होता है किस पर, स्टिग्मा पर, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स उस पर दे सके और हमारा पॉलिनेशन हो सके। नेक्स्ट हमने देखा विंड कैप्सुलिया में, उसमें हमारा जो फनल शेप्ड फ्लावर था हमारा, उसमें हमारा क्या प्रेजेंट था, हमारा मेन पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट था, बट स्टिग्मा क्या करता है, अगर उससे एंथर दूर है तो स्टिग्मा उसके पास पहुंच जाता है, एलोंगेट कर जाता है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस आसान हो सके। एंड लास्ट में हमने सोलेनम में देखा दैट स्टाइल इसका कैसा लॉन्ग है एंड स्टिग्मा इज कॉइल्ड अराउंड द एंथर। ये बात हुई हमारे एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की। आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।